हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए छोड़ने की। तो उपेंद्र कुशवाहा ने जब से एनडीए छोड़ा है उसके बाद से बिहार समेत देश की सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। भविष्यवाणी का दौर शुरू हो गया है। राजद ने एनडीए को लेकर के एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। राजद के नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने साफ साफ कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के बाद एनडीए का साथ छोड़ने वालों की फेहरिस्त और लंबी होने वाली है। उनके मुताबिक एनडीए का साथ और भी लोग छोड़ सकते हैं। जाहिर है कि एक तरफ जहां बीजेपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा पर लगातार हमलावर हैं उनके एनडीए छोड़ने के बाद और नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बयानबाजी का दौर चल रहा है। सबसे लेटेस्ट बयान बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार को इस तरह से कोसना उपेंद्र कुशवाहा के लिए सही नहीं है। उन्हें नैतिक अधिकार नहीं है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोले। उपेंद्र कुशवाहा का जानाधार खिसक गया है, यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसी बातें कर रहे हैं। इधर राजद ने भी अब एनडीए को लेकर के बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। इससे पहले भी जब उपेंद्र कुशवाहा बार बार अपनी बेइज्जती की बात करते थे तो उस वक्त भी राजद लगातार उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता देता रहा था। भाई वीरेंद्र ही थे जिन्होंने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को और जिल्लत और अपमान बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उन्हें सही समय पर सही फैसला लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ भाई वीरेंद्र ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को अपने कार्यकर्ताओं और अपने जनाधार का ध्यान रखते हुए सही समय पर सही फैसला लें ताकि उन्हें आगे फायदा हो सके। अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के एक बार फिर से सियासत गर्म है। तो इधर राजद के नेता भाई वीरेंद्र ने एनडीए को लेकर के भविष्यवाणी कर दी है। उनके हिसाब से एनडीए के और भी घटक दल उनका साथ छोड़ने वाले हैं। जाहिर है कि उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। उसके बाद पहली बार पटना पहुंचने के बाद पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की नीतीश सरकार से लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जमकर ललकारा। उन्होंने कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। उसके बाद अब राजद भी लगातार भविष्यवाणी कर रहा है। राजद के नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने साफ साफ कह दिया है कि एनडीए का साथ अभी और लोग छोड़ने वाले हैं। देखने वाली बात होगी कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, लोकसभा चुनाव 2019 जैसे जैसे करीब आता है, क्या कुछ सियासी समीकरण बदलते हैं, सियासी ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखने में दिलचस्प बात होगी। हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। हमारे YouTube चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें।